तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि आखिर बीस्ट बॉय कैसे पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लोग उसके रिलेटेड कमेंट करेंगे और उसे इतना पसंद करेंगे। यार मुझे तो ये लगा था कि लोग ये कहेंगे कि अभी क्या चौथी वीडियो बनाया चल मैं। बट गाइज आई वॉन्ट टू थैंक यू टू ऑल सो फ्रेंड्स, हमारे इस फ्रेंड ने पूछा है कि आखिर बीस्ट बॉय कैसे बेन 10 के एलियंस और डिजीमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ बेन 10 के एलियंस या फिर डिजीमॉन के बारे में नहीं, नो फ्रेंड्स, रेड काय, मार्वल या फिर कोई गेमिंग करेक्टर हो गया, सब सुपर हीरोज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या बीस्ट बॉय इन सब सुपर हीरोज पे या सभी करेक्टर्स या सभी गेमिंग करेक्टर्स पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि जो बीस्ट बॉय है वो सिर्फ अर्थ की स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, नहीं, वो किसी भी गैलेक्सी के किसी भी स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो अर्थ का हो। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है और मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि बीस्ट बॉय सिल्की में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और बीस्ट बॉय स्कूबी डू में भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो कि एक रियल डॉग तो भाई नहीं है, शायद वो रियल डॉग ही है, पता नहीं, पर लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है। डायनासोर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो कि भी लुप्त हो चुके हैं। तो सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि बीस्ट बॉय है वो किसी भी गेमिंग करेक्टर, बेन 10 के एलियंस या फिर किसी भी सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यस। यस फ्रेंड्स, जो बीस्ट बॉय है वो किसी भी सुपर हीरो करेक्टर्स या फिर किसी भी गेमिंग करेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट गाइज, इसका गाइज नहीं है कि जो बीस्ट बॉय है वो किसी भी करेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसको यूज़ करने लगेगा, नहीं फ्रेंड्स। जैसे कि हम सबको पता है कि हर करेक्टर के अपने अपने एबिलिटीज़ होते हैं और उसने खुद वो एबिलिटीज़ मास्टर की होती हैं मेहनत करके। सो फ्रेंड्स, बीस्ट बॉय को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसे एबिलिटीज एंड पावर्स को अनलॉक करने के लिए, नहीं तो फिर बीस्ट बॉय जो है वो कभी स्लेट में क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ या फिर वो कभी भी किसी विलन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, बीस्ट बॉय को उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में पता नहीं होगा, उसको वो खुद सीखनी पड़ेंगी, इसलिए बीस्ट बॉय कभी भी इन विलन्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ और गाइज उसने कभी भी उनकी पावर्स नहीं यूज़ की। यस फ्रेंड्स, अगर ये होता तो बीस्ट बॉय कब का उस विलन में ट्रांसफॉर्म होता और उसको कब का हरा देता, उसे एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट गाइज, बीस्ट बॉय ट्रांसफॉर्म हो सकता है पर लेकिन उनके पावर्स का वो यूज़ नहीं कर सकता, एक तरीके से ये इसका वेस्ट भी है। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल ऑफ द वीडियो गाइस। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना गाइस अपने दोस्तों के साथ, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब मार देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का दबा देना है, कमेंट में बता देना गाइस आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइस, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो एक वीक से नहीं आई है और ये काफ़ी छोटी वीडियो है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा बहानेबाज हूँ और चलो तुमको एक मेन रीज़न बता देता हूँ जिसके कारण ये वीडियो इतनी लेट आई है। सो फ्रेंड्स, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं और गाइस मैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सो फ्रेंड्स इसी कारण मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है। बट गाइस, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऑलरेडी आपको शेड्यूल क्लियर डाल के जाऊँ, हो सकता है कि तुम लोग उस वीडियो में थोड़ी सी मेरी क्वालिटी लो दिखे, वैसे अभी कौन सी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार थोड़ी देर यार वेट कर लेना। ऑलराइट गाइस, फिर मैं दो दिन बाद वीडियो अपलोड करने लग जाऊँगा, अभी तुमको मिलेंगे चार दिन बाद। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड।